सर मेरा नाम दीपिका है, मैं भिलाई शहर से हूँ और मैं ना यहाँ ओमान देश में आकर के फंस गई हूँ सर। मेरे को कोई झूठ बोल के यहाँ पे ला के फंसाया है। मैं चाह कर भी यहाँ से नहीं निकल पा रही हूँ, पूरा बंद कर दिए हैं। मेरे को इन लोग मारे पीटे और फिर मैं बोली कि मुझे घर जाने दो, तो बोलते हैं इन लोग कि तुम मुझे 2 से 3 लाख रुपए दो, उसके बाद तुम जाना यहाँ से, वरना तुमको हम लोग जाने नहीं देंगे यहाँ से, वरना दूसरे जगह बेचेंगे और तुमसे पैसा वसूल लेंगे। सर मैं क्या करूँ, मुझे बचा लीजिए सर, मुझे दूसरी जगह नहीं बिकना है सर, मुझे बचा लीजिए। बहुत तकलीफ है सर, बहुत टॉर्चर करते हैं लोग, बहुत गाली गलौज भी करते हैं सर, मैं बहुत परेशान हूँ सर। 10 बजे की फ्लाइट है लेकिन अभी एमरजेंसी ऑफिस लेके आ गए हैं रूम से, हाँ तो आधे घंटे बाद ये मुझे एयरपोर्ट छोड़ेंगे। ठीक है, तो कहाँ तक छोड़ रहे हैं? दिल्ली तक का? दिल्ली तक, हाँ सिर्फ दिल्ली तक की छोड़। अच्छा, उसके बाद का आगे का टिकट उन्होंने नहीं किया है? टिकट आगे का नहीं किया उन्होंने? अच्छा, कुछ बोला भी नहीं है। ठीक है, तो तुम चिंता मत करो, टिकट मैं तुमको व्हाट्सएप कर रहा हूँ, तुम दिल्ली पहुँच जाओ, मोबाइल अपने हाथ में रखे रहना, टिकट मैं कर दे रहा हूँ वहाँ से, और तुमको रायपुर एयरपोर्ट पे मैं लेने आऊँगा सुबह। ठीक है, ठीक है दीपिका, चलो वहाँ पे जो भी होगा ना, अगर वो टिकट करके देते हैं तो मुझे बता देना, और टिकट नहीं करके देते हैं तो भी एक बार पूछ लो उनको कि दिल्ली से टिकट करके दे रहे हैं क्या। हाँ ठीक है, दिल्ली का टिकट मैं करके दे रहा हूँ आपको, और मैं दिल्ली से रायपुर जो है कल सुबह की फ़्लाइट है 7 बजे की, ठीक है ना, उसमें तुम आ जाना, मैं तुमको रायपुर एयरपोर्ट लेने आऊँगा। ठीक है, ठीक ठीक दीपिका, ओके।